दिल्ली में एक मर्डर हुआ है, 16 साल के लड़के ने किया है, लेकिन ये मर्डर इतना खौफनाक है कि जिसने भी देखा सभी के होश उड़ गए। 16 साल के लड़के ने 60 बार चाकू मारा और जब इतने में मन नहीं भरा तो डेड बॉडी के ऊपर डांस करने लगा। और जब अगल बगल के लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं या आवाज लगाते हैं तो ये 16 साल का लड़का उन्हें चाकू पकड़ कर दौड़ाने लगता है। ये घटना दिल्ली के वेलकम इलाके की है। यह रहने वाला 17 साल का यूसुफ देर रात अपने घर लौट रहा था, तभी पीछे से आरोपी उसे दबोच लेता है, उसका गला दबाता है और जब यूसुफ उसका विरोध करता है तो आरोपी चाकू निकाल लेता है, उस पर ताबड़तोड़ हमले करना शुरू कर देता है। एक के बाद एक आरोपी यूसुफ पर 60 बार चाकू मारता है, बाल पकड़ कर घसीटता है, सिर पर लात मारता है और जब मन नहीं भरता है तो उसके डेड बॉडी के ऊपर डांस करने लगता है और आखिर में आरोपी लड़का यूसुफ की जेब से पैसे निकाल कर भाग जाता है। रात के 11:15 बजे की इंसिडेंट है। इन्फॉर्मेशन आ गई थी, PCR कॉल नहीं थी, इन्फॉर्मेशन आ गई थी थाने में कि एक लड़के को चाकू लगे हैं, तो तुरंत SHO, एडिशनल SHO, हमारे पूरे जो टीम है वेलकम थाने की, इसमें तुरंत जुट गई और जो इंजर्ड था उसको तो हॉस्पिटल ले गए, वहाँ वो ब्रॉड डेड हो गया था, काफ़ी उसको चाकू लगे और जो एक्यूज़ है उसकी खोज की गई, CCTV वगैरह भी चेक किए गए और एक्यूज़ को पकड़ लिया। 16 साल का लड़का है, यंग लड़का है और चाकू जो यूज़ किया था वो भी बरामद हो गया उससे, तो उससे मैंने खुद बात किया था, तो मोटिव इसमें रॉबरी था, तो वो कुछ पैसे छीनने की कोशिश कर रहा था, जब विक्टिम ने रेजिस्ट किया तो पहले उसको चोक किया फिर बाद में चाकू मार गया था, तो हमने मर्डर का केस रजिस्टर किया, अभी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। रिसीट की कोई पहचान हो पाई? अभी उसकी पहचान कोशिश कर रहे हैं, शाम तक आज आइडेंटिफाई हो जाना चाहिए वो, अब रात में हम लोगों ने कोशिश काफ़ी किया पर आइडेंटिफाई नहीं हो पाया। मृतक यूसुफ अपने परिवार के साथ जाफराबाद में रहता था और वेलकम इलाके में ही काम करता था। उस रात यूसुफ घर का कुछ सामान लेने बाहर आया हुआ था, तभी उसका मर्डर हो गया। पुलिस ने अब आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में पता चला है कि आरोपी लड़के ने रात में नशा किया हुआ था और उसने लूट के इरादे से यूसुफ के ऊपर अटैक किया। हालांकि पुलिस ने अब आरोपी को बाल सुधार गृह पर भेज दिया है। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब दिल्ली की सड़क पर इस तरह की घटना हुई हो। मई 2023 में ही शाहबाद डेयरी इलाके में साहिल नाम के लड़के ने 16 साल की नाबालिग को सड़क पर 16 बार चाकू मारा था और फिर उसके सिर पर कई बार पत्थर पटका। दिल्ली में इस तरह के अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं। कभी सड़क पर चाकू मारा जा रहा है तो कभी छोटे छोटे टुकड़े कर फेंक दिया जा रहा है, लेकिन प्रशासन अब भी मौन है। न्यूज और नॉलेज से भरपूर वीडियो देखने के लिए जुड़े रहें अनकट के साथ।